नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनवार जोटेक में। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आपकी जो जो भी डाउट है ना, सारी क्लियर होने वाली है। जो एमपी बोर्ड एग्जाम का जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे निर्णय क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या कारण हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे निर्णय नहीं दे रहा। एक तो यहाँ पे बड़ी अपडेट हो सकती है कि बोर्ड यहाँ पे एमपी बोर्ड है ये इस पे दबाव लगा रहा है, और साथ साथ जो राज्य सरकार है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे दबाव लगा रही है। एक एमपी बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पे दबाव लगा रही है लगातार, एक राज्य सरकार जो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव लगा सकती है। इस कारण से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं कर पाया, बट इसके अंदर है यानी कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो निर्णय कर सकता है, बट यहाँ पे दबाव लगाया जा रहा है। आज जो हियरिंग जो डेट वाली थी, इस पर अभी भी डेट भी फिक्स नहीं हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कब तक जारी होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम बचा हुआ है सिर्फ 2 दिन का, यानी कि 15 से 16 दिन, 16 तारीख तक, यानी कि 2 ही दिन का समय बाकी है। 2 दिन के अंदर यदि बोर्ड एग्जाम रद्द होती है तो हो जाती है, नहीं तो बाद में तो वैसे ही एग्जाम चालू हो जाएंगी। तो मेरे को यहाँ पे डाउट है कि जो एमपी बोर्ड और गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश की, वो यहाँ पे लगातार इस पे दबाव बना रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट इसको निर्णय नहीं दे पाए। बट यहाँ पे जो छात्र है ना, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर याचिका की हुई है, बट निर्णय में देरी इसलिए आ रही है लगातार। तो अब क्या होगा, क्या बोर्ड एग्जाम स्थगित होंगे? अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे परसेंटेज कुछ बचा हुआ है कि बोर्ड एग्जाम अभी भी स्थगित हो सकती है यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। यदि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला चाहे तो जल्द ही यानी कि कल या परसों तक, 2 दिन के अंदर दे सकती है, बट फिर को उसके बाद में कोई एग्जाम यहाँ पे स्थगित नहीं होने वाले हैं। तो आप लोग से यही राय है कि सभी छात्र तैयारी करें, तैयारी करना आपको जरूरी होगा, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को नहीं सुनाती है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो तैयारी के अंदर सभी छात्र करें, क्योंकि यहाँ पे दो दो यहाँ पे एमपी बोर्ड और सरकार दो दो यहाँ पे दबाव बना रखी है सुप्रीम कोर्ट पे, ताकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे निर्णय नहीं ले सके। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम की तैयारी सभी छात्र करें, और यदि कोई अपडेट आएगी सुप्रीम कोर्ट को लेकर तो आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन किया जाएगा, बट नहीं लगता कि एग्जाम स्थगित होंगी। अब मुश्किल है एग्जाम स्थगित होना, क्योंकि चारों तरफ से इस पे दबाव लगाया जा रहा है। ओके गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, और हम आपके लिए लगातार साथ रहेंगे, लास्ट तक साथ रहने वाले हैं एग्जाम को लेकर। थैंक यू।